अस्सलामुअलैकुम नेट फोन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फेज 3 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस टू लेक्चर्स में 5 और 6 लेक्चर में यूनिट 5 स्टार्ट करवाया था, एंगल से रिलेटेड मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। यूनिट 5 था हमारा एंगल्स, उसमें मैंने आपको एंगल की डेफिनेशन और उसके बाद एक्यूट एंगल, उसकी टाइप्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल के बारे में बताया था। आज उससे जो नेक्स्ट टाइप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंगल से रिलेटेड मैंने आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए थे। अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए थे एंगल से रिलेटेड, एक दफ़ा दोबारा से वो रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। सबसे फर्स्ट में मैंने आपको एंगल की डेफिनेशन बताई थी कि एंगल क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ पॉइंट इट्स क्रिएट एन एंगल। हमारे पास एंगल कैसे बनता है? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है किसी भी फिक्स पॉइंट के लिए, तो हाँ उस वक्त क्या फॉर्म बन रहा होता है? एंगल। एंगल की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्लॉक है, कि क्लॉक जब मूव करना स्टार्ट, क्लॉक की हैंड्स जब मूव करना स्टार्ट करती हैं तो उनका जो मिड पॉइंट होता है जहाँ पे सारी हैंड्स ज्वाइन की होती हैं, वो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता है। और फिर 12 से आगे जैसे 1 हमारे पास नंबर लिखा होता है क्लॉक के ऊपर, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से हैंड्स रोटेट करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे जैसे वो रोटेट कर रही होती हैं वो हमारे पास एंगल बना रही होती हैं। क्या बना रही होती हैं? एंगल बना रही होती हैं। 12 पे पहले आती है, फिर इसी तरह रोटेशन लास्ट में जाके 12 पे जाके रोटेशन वो कंप्लीट हो जाती है। जब रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स बन रहे होते हैं, उसकी डिफरेंट डायरेक्शन होती है, डिफरेंट रोटेशन होती है। फर्स्ट से जब वो रोटेशन स्टार्ट होती है तो वो हमारे पास स्टार्ट में एक्यूट एंगल बना रही होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट राइट एंगल पे जाती है, राइट एंगल बनाती है हैंड। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स है। ये क्लॉक की सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाइप्स ऑफ एंगल्स के लिए। अब सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि एंगल हमारे पास क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ पॉइंट इट्स क्रिएट्स एन एंगल। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, जैसे फैन की एग्जाम्पल ले लें, फैन जब मूव करता है एक फिक्स पॉइंट में तो वो भी रोटेट कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम अपनी आर्म को बेंड करते हैं, बाजू को बेंड करते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या बना रहा होता है? एंगल बना रहा होता है। जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का कॉर्नर नजर आएगा, बेंडिंग नजर आएगी, वहाँ पर एंगल फॉर्म होता है। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे फर्स्ट भी मैंने आपको बताया था कि एंगल्स की जो टाइप्स है वो हमारे पास टोटल 6 टाइप्स होती हैं। एंगल्स की 6 टाइप्स है और एंगल को मेजर किस में किया जाता है? एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है। जैसे हम अगर आप शुगर लेते हैं तो शुगर किस में मेजर किया जाती है? शुगर जो है वो हमारे पास केजी में मेजर की जाती है। इसी तरह हर एक की अपनी अपनी यूनिट होती है। जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें 2 kg शुगर दे, तो आप उसके साथ ये तो नहीं कह सकते हमें 2 meter शुगर चाहिए। इसी तरह जब एंगल को मेजर किया जाएगा तो उसकी यूनिट होगी डिग्री। एंगल हमेशा डिग्री में मेजर किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, नंबर के ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगाया जाता है जिसे डिग्री पढ़ा जाता है, कि इसका मतलब है कि ये कोई एंगल फॉर्म हुआ है, कोई नंबर नहीं है। इसी तरह सबसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट सब कुछ बताया था। जो टॉपिक था हमारे पास एक्यूट एंगल, वो ये था कि एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 degree इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 360 degree तक जो काउंटिंग होगी, यहाँ तक 0 से एंगल्स बनना स्टार्ट होंगे और लास्ट जो हमारे पास एंगल फॉर्म होगा वो 360 degree पे। अब इसके अंदर डिफरेंट हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट पे जो एंगल फॉर्म होगा वो हमारे पास एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट सा एंगल है, छोटा सा एंगल है। अब हम सबसे फर्स्ट पे ये देखिए, इसकी आपको फिगर नजर आ रही है जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, और एंगल लिखा हुआ 30 degree। अब हर वो एंगल जो 90 degree से ग्रेटर होगा, यानी हम 0 से लेकर 90 तक जो भी काउंटिंग में नंबर आएगा हमारे पास, वो हमारे पास एक्यूट एंगल फाइंड करेगा। चाहे वो हमारे पास 11 degree हो, 30 degree हो, लेकिन उसका 90 से लेस होना मस्ट है। 89 degree भी हमारे पास एक्यूट एंगल बनाएगा, लेकिन जब हम 90 के पास चले जाएंगे, एग्जैक्ट 90 degree आ जाएगा, तो फिर वो नेक्स्ट एंगल फॉर्म होगा जो है राइट एंगल। राइट एंगल की डेफिनेशन मैं बताती हूँ। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 degree इज कॉल्ड राइट एंगल। जब एग्जैक्ट हमारे पास 90 degree की लाइन, हम जो एंगल जैसे परपेंडिकुलर लाइंस होती है वो एक दूसरे को 90 degree पे मीट करती हैं। आपको पता है परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं? ये जो 2 lines आपको ड्रॉ की हुई नजर आ रही है राइट एंगल में, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक दूसरे को मीट कर रही है 90 degree पे, एल शेप बन रही है, ये हमारे पास राइट एंगल होता है। और राइट एंगल की शेप हमेशा ऐसी ही होगी जैसी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 degree इसका राइट एंगल। मैंने 0 से 90 का कॉन्सेप्ट आपको दिया है। 0 से लेकर 90 degree तक हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारे पास एक्यूट एंगल होगा। एग्जैक्ट 90 degree के जब इक्वल आ जाएगा तो वो हमारे पास राइट एंगल होगा। एक्यूट एंगल की शेप देख लें आप अपने माइंड में उठा लें, इसी तरह शेप होती है हमारे पास राइट एंगल की। शेप देख लें,
इसके बाद जो नेक्स्ट एंगल है वो है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल हूज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. वो एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बताया कि 0 से 360 डिग्री तक जब हम एंगल रोटेशन मूव होती है तो 0 से 360 डिग्री पे जाके एंगल एंड होते हैं. इसी तरह फर्स्ट एंगल जो है वो 0 से 90 डिग्री तक है. 90 से लेस जितने एंगल होंगे, कोई भी एंगल अगर आपको गिवन है 45 डिग्री, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये हमारे पास एक्यूट एंगल है, 90 से लेस है. इक्वल टू 90 होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो वो हमारे पास राइट एंगल है. और थर्ड जो 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल हमारे पास बनेगा, 100 डिग्री बनेगा हमारे पास, 92 डिग्री, 110 डिग्री, 130, ये सारे जितने भी एंगल होंगे उनका नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल. और ऑब्ट्यूज एंगल किससे ग्रेटर होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर. और ऑब्ट्यूज एंगल की शेप देखिए, देखिए रोटेशन, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, एक्यूट एंगल में ये सर्कल सबसे छोटा था, फिर जब राइट एंगल में ये और मूवमेंट इसकी स्टार्ट हुई है, रोटेशन और स्टार्ट हुई है, इसी तरह नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल में इसकी रोटेशन और ज्यादा होगी. ये देखिए देखिए जैसे नहीं नेक्स्ट एंगल, जैसे जैसे नेक्स्ट एंगल बनता जा रहा है वैसे ही इसकी जो रोटेशन है वो भी बढ़ती जा रही है, और ये सारी जो एंगल्स की शेप्स है ये चेंज होती जा रही है. ऑब्ट्यूज एंगल के बाद जो हमारे पास फोर टाइप्स थी एंगल की, वो थी स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हूज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. अब 90 से लेके 180 डिग्री तक जितने एंगल्स होंगे, 90 से ग्रेटर और 180 से लेस जितने भी एंगल होंगे, वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होंगे. लेकिन एग्जैक्ट जाके जब 180 डिग्री के इक्वल मेजर आ जाएगी तो हमारे पास स्ट्रेट एंगल होगा. जैसे एग्जैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री होती है तो हमारे पास राइट एंगल होता है, 180 डिग्री आ जाएगा तो वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो गया. एन एंगल हूज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास रूलर की एग्जांपल है. स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमारे पास 180 डिग्री, और जो इसकी रोटेशन होती है वो सेमी सर्कल होती है. हाफ सर्कल जब भी होगा तो वो रोटेशन हमारे पास क्या बना रही होगी, स्ट्रेट एंगल. अब ये जो फोर टाइप्स थी, सबसे फर्स्ट पे एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री तक, राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल जो था वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल हमारे पास जो था वो इक्वल टू 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल तक आपने पढ़ लिया था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, लास्ट टू टाइप्स है एंगल्स की. अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हूज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. हर वो एंगल जो हमारे पास 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, 180 के इक्वल होगा तो वो हमारे पास कौन सा एंगल बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल. अब 180 डिग्री से ग्रेटर कैसे एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर जो इसकी फॉर्मेशन में स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है उसके ऊपर आप देखें, पहले सेमी सर्कल है, जो सेमी सर्कल आपको नजर आ रहा है हाफ सर्कल, वो शो कर रहा है स्ट्रेट एंगल को. और उसके बाद उसी के साथ एक इसी लाइन के देखें बिलो आपको एक लाइन नजर आ रही है जो एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है. एक्यूट एंगल और ये स्ट्रेट एंगल मिल के हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल बनाता है. अब जब भी ये रोटेशन देखें, ये रोटेशन कंप्लीट हो रही है, सबसे फर्स्ट पे जो सर्कल की रोटेशन थी वो सबसे छोटी थी, फिर जैसे जैसे नेक्स्ट एंगल पे जाते रहे हैं तो रोटेशन ज्यादा होती गई या डिग्री भी बढ़ते जा रहे हैं. पहले 180 डिग्री था, अब ये जाके रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है, जो हमारे पास 210 डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है. अब रोटेशन देखिए कहाँ पहुंच गई है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर सेमी सर्कल, फिर उससे आगे थोड़ी सी और रोटेशन जाएगी तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल बने. रिफ्लेक्स एंगल बनने के बाद जो लास्ट एंगल होता है, जब रोटेशन जाके कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी, सर्कल जब भी मूव करता है एंड पे जाके जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, एन एंगल हूज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. तो ये हमारे पास कंप्लीट एंगल बन जाएगा. कंप्लीट एंगल का मतलब होता है कि रोटेशन एंड हो गई है. देखिए लास्ट में जाके पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, रोटेशन फर्स्ट से स्टार्ट की थी एक्यूट एंगल से, लास्ट में जाके जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो सर्कल के अंदर जो एंगल्स की डिग्री होती है वो हमारे पास 360 डिग्री होता है. इसी तरह हर आप सर्कल जब भी बनेगा तो उसके अंदर जैसे फैन की एग्जांपल है वो सर्कल कुछ होगा, क्लॉक की एग्जांपल है वो सर्कल कुछ होगा, ये वो हमारे पास एंगल कौन सा बना रही होती है, कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल और इसे फुल एंगल भी कहते हैं. फुल एंगल का मतलब है रोटेशन जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो वो हमारे पास कंप्लीट एंगल बन जाएगा. अब ये हमारे पास टोटल 6 टाइप्स थी एंगल की, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप थी हमारे पास एक्यूट एंगल, सेकंड राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल. इनकी मेजर्स भी साथ साथ आपने याद करनी है. 0 से 90 डिग्री हमारे पास हमेशा एक्यूट एंगल होगा. इसी तरह इक्वल टू 90 डिग्री हमारे पास राइट एंगल होगा. ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल. इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. ग्रेटर देन 180 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल. एंड लास्ट वन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कंप्लीट एंगल. अब ये हमारे पास टोटल 6 एंगल जो है ये कंप्लीट हो गए.
कंप्लीट होने के साथ साथ रोटेशन भी कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सी डेली लाइफ एग्जांपल्स दी थी सारे एंगल्स की, जैसे मैंने आपको बताया था चिड़िया की चोंच किसको शो कर रही होती है, फिंगर्स के दरमियान में जो आप डिस्टेंस होता है ये क्यूट एंगल को शो कर रहे होते हैं, विंडो के कॉर्नर, डोर के कॉर्नर और इस तरह व्हाइट बोर्ड के कॉर्नर जो होते हैं ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने होते हैं, ये राइट एंगल को शो कर रहे होते हैं, वहाँ पर डिग्री कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी थी, आप लोग चेयर की लेग के अंदर देखे कौन सा एंगल बन रहा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होता है। इसी तरह हमारे पास स्ट्रेट एंगल जो है, स्केल हमारे पास स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट एंगल की एग्जांपल है। कंप्लीट एंगल की एग्जांपल मैंने अभी आपको दी है, क्लॉक की एग्जांपल, फैन की एग्जांपल, ये सारी कंप्लीट एंगल की एग्जांपल्स है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल देती हूँ, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल में ये देखेंगे आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, सर्कल के अंदर जो रोटेशन है, जो स्मॉल सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, ये जो रोटेशन है ये रिफ्लेक्स एंगल को शो कर रही है। कैसे रिफ्लेक्स एंगल को, कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल बना रही है, उसी के साथ दूसरी लाइन आपको नजर आ रही है, और ये जो वाई से मूवमेंट है, आप किसी भी एंगल को जब भी मेजर करेंगे वो देखें उसकी रोटेशन देखनी है। अब आप जो जो सेमी आपको छोटा सर्कल नजर आ रहा है, इसकी रोटेशन देखें ये किसके करीब है, ये अभी सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सर्कल कंप्लीट हो जाता तो ये कंप्लीट एंगल बन जाता है, लेकिन ये सर्कल कंप्लीट होने से थोड़ा कम है तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। इसी तरह आपको एक ट्री नजर आ रही है, ट्री के अंदर आप देखें एक स्ट्रेट लाइन आपको रेड नजर आ रही है, उसके ऊपर स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और बड़े वाली जो आपको सर्कल की रोटेशन नजर आ रही है वो किसको शो कर रही है, वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल को। इसी तरह ये एक आदमी खड़ा है, इसके बाजू देखे कौन सा एंगल बना रहे हैं, इसके शोल्डर पे जो एंगल बनेगा, जो शोल्डर से एंगल मूव करके बनेगा, वो हमारे पास जो इसकी आर्म है, सीधा बाजू है, वो हमारे पास 180 डिग्री बना रहे हैं, और उसी के बिलो जो इसकी जो रेड लाइन आपको शो नजर आ रही है, ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल बन रही है। ये दोनों मिलके हमारे पास शोल्डर से मूवमेंट जो होगी ये मिलके हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। हमेशा रिफ्लेक्स एंगल एक स्ट्रेट एंगल और दूसरा एक्यूट एंगल से मिलके बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें आप फोर्थ क्लास लास्ट में आपको ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, क्लॉक बनी हुई है, ये फुल 6 क्लॉक आपको नजर आ रही है, और सारी रोटेशन आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हमारे पास एंगल रोटेट होते हैं, फर्स्ट एक्यूट एंगल कैसे फॉर्म होता है, और लास्ट में जाके कंप्लीट एंगल में, कंप्लीट रोटेशन में एंगल कैसे कंप्लीट होता है। अब सबसे फर्स्ट पे आप क्लॉक, सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लॉक की एंगल के लिए, रोटेशन के लिए समझने के लिए। अब सबसे फर्स्ट पे आप एंगल की, ये जो क्लॉक नजर आ रही है इसमें आपको एक हैंड नजर आ रही है जो सिर्फ 12 पर है, उसके बाद जो दूसरी हैंड है उसे हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे वो बिल्कुल कम मूव हुई है, और देखिए कौन से एंगल की शेप बन रही है, एक्यूट एंगल की, सिर्फ 2 तक अगर उसे मूव किया जाए, अगर 2 तक हमारे पास ये मूव कर रही है तो देखिए सर्कल जो है वो बहुत छोटा सा सर्कल बना है, क्वार्टर का भी हाफ सर्कल बना है, वो हमारे पास सबसे कम रोटेशन थी, तो सबसे छोटी जो रोटेशन थी वो हमारे पास कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एक्यूट एंगल, और ये जो होगा ये 90 डिग्री से लेस होगा। कंप्लीट सर्कल के अंदर ये जो ग्रीन पोर्शन है इसको देखते जाएं, जैसे जैसे नेक्स्ट एंगल पे जाते जाएंगे ये रोटेशन और ये जो शेडेड पोर्शन है ये ज्यादा होता जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एंगल है वो है राइट एंगल, राइट एंगल देखें वो कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा आगे 3 पे जब गए हैं तो एग्जैक्ट 2 लाइंस आपको स्ट्रेट नजर आ रही है, और रोटेशन भी ज्यादा हो गई है, और जो ग्रीन पोर्शन है वो भी ज्यादा हो गया, तो ये हमारे पास राइट एंगल बन गया। राइट एंगल से थोड़ा सा नेक्स्ट पे जाएंगे, 5 पे जब हैंड गई है तो देखिए रोटेशन थोड़ी सी और आगे गई है, तो ये सर्कल और शेडेड हो गया, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, और उसकी शेप को भी देखिए एग्जैक्ट ऑब्ट्यूज एंगल की शेप बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट पे 6 पे जब हमारे पास हैंड आती है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, तो स्ट्रेट लाइन जब भी ड्रॉ होगी तो उसके साथ कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन के साथ हाफ सेमी सर्कल जब भी एंगल बनेगा वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल से थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करें, स्ट्रेट एंगल बन गया, अब उससे मूवमेंट थोड़ी सी और आगे हुई है, शेडेड पोर्शन देखिए और ज्यादा नेक्स्ट पे जा रहा है, तो ये हमारे पास जो मूवमेंट बनी है, ये जो रोटेशन हुई है, ग्रीन पोर्शन आपको नजर आया, ये रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 से नेक्स्ट पे चले गए हैं हम, ज्यादा शेडेड पोर्शन आ गया है तो ये रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म हो गया, साथ लिखा हुआ ग्रेटर देन 180 डिग्री, और लास्ट में जाके आप देखिए दोनों जो हैंड है वो 12 पे जाके रुक गई है, और पूरी रोटेशन कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट सर्कल शेड हो गया। फर्स्ट वन को देखिए एक्यूट एंगल में सबसे कम सर्कल था, शेड था, लास्ट को देखिए कंप्लीट रोटेशन में फुल सर्कल शेड हो गया है। तो इस तरह से ये सारी जितनी भी एग्जाम्पल्स है ये हमारे पास 6 टाइप्स है एंगल्स की, रोटेशन ही कहते हैं एंगल्स को,
जैसे जैसे रोटेट करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हैंड मूव करती जा रही है, वैसे वैसे शेडेड पोर्शन भी ज्यादा हो रहे हैं और एंगल भी फॉर्म हो रहे हैं। इसी तरह ये 6 टाइप्स हैं हमारे पास एंगल्स की, याद अपनी नीट नोटबुक पे लिखनी है फोर्थ क्लास। ये सारी जितनी 6 की 6 एग्जाम्पल्स हैं साथ साथ अपने माइंड में बिठाना है कि 0 से 90 डिग्री हमारे पास एक्यूट एंगल होता है फर्स्ट एंगल, इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री हमारे पास जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल, इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल, नेक्स्ट ग्रेटर देन 180 डिग्री हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म होता है, और इक्वल टू 360 डिग्री जब रोटेशन कंप्लीट हो जाती है फुट एंगल उसको कहते हैं, ये हमारे पास होता है कंप्लीट एंगल। इसी तरह आपने एंगल्स की डेफिनेशन याद करनी है, जब आपको एंगल्स सही तरह से याद हो जाएंगे तो फिर उनकी फॉर्मेशन एस्टिमेटिंग ड्राइंग एंगल्स बहुत ज़्यादा ईजी है कॉन्सेप्ट, और साथ साथ उनकी जो ड्राइंग है जो शेप्स हैं वो भी अपने माइंड में रखना है कि एक्यूट एंगल की शेप कैसी होती है, राइट एंगल की कैसी शेप होती है, आपको देखते ही पता चल जाए कि ये राइट एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स है, कौन सा एंगल फॉर्म किया हुआ है। थैंक यू क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज 3 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट 5 एंगल से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एंगल्स के बारे में बताया था, एंगल की टाइप बताई थी, इसी तरह आज जो हमारा टॉपिक है वो एंगल्स की नेक्स्ट 2 टाइप्स है। जैसा कि मैंने आपको राइट एंगल, एक्यूट एंगल और एंगल की डेफिनेशन बताई थी, एक दफा फिर रिवाइज कर देते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। सबसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था एंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई थी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ पॉइंट इट्स क्रिएट्स एन एंगल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी एक फिक्स पॉइंट के रोटेट करता है तो वो क्या बना रहा होता है, एंगल। इसकी मैंने आपको रियल लाइफ की बहुत सी एग्जाम्पल्स दी थी कि एंगल कहाँ कहाँ फॉर्म करता है। फिर मैंने आपको बताया था एंगल किस वर्ड से डिराइव है, ये लैटिन वर्ड एंगुलस से ड्राइव है, इसका मतलब होता है कॉर्नर, जहाँ पर भी कॉर्नर आपको नजर आएगा किसी भी चीज़ का वो एंगल फॉर्म कर रहा होता है। फिर एंगल के बाद मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी एंगल्स की, सबसे फर्स्ट पे फर्स्ट एंगल जो आता है हमारे पास वो है एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मैंने एक्यूट एंगल की आपको डिफरेंट टाइप्स बताई थी कि एक्यूट एंगल कैसे फॉर्म करता है, उसकी शेप कैसी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाया हुआ है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक्यूट एंगल, इसी तरह की जो शेप होती है हमारे पास एक्यूट एंगल की होती है। और मैंने आपको बताया था एंगल हमेशा मेजर किया जाता है डिग्री में, डिग्री में। जैसे मैंने आपको बताया था कि शुगर जब भी आप लेने जाते हैं तो वो केजी में मेजर की, इसी तरह एंगल की अपनी यूनिट होती है, वो होती है हमारे पास डिग्री। उसके लिए छोटा सा सर्कल लगाते हैं, जैसे यहाँ पर 90 के ऊपर आपको सर्कल लगा हुआ नजर आ रहा है छोटा सा, इसी तरह 30 के ऊपर। अब हर वो एंगल जो 90 से लेस होगा वो हमारे पास कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की यही शेप होगी जो बनी हुई आपको नजर आ रही है। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दी थी राइट एंगल की, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो एंगल जो फिक्स 90 डिग्री के इक्वल होगा, जैसे परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास जो है वो राइट एंगल बनाती है। इसी तरह राइट एंगल की मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी कि वो एंगल जिसमें एंगल हमारे पास फिक्स 90 डिग्री की इक्वल हो जाएगा वो हमारे पास राइट एंगल बनाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर नीचे राइट एंगल बनाया हुआ है, आप इसे गौर से देखें, इस तरह का जो एंगल हमारे पास बनेगा वो हमारे पास राइट एंगल होता है। एंगल्स की 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, टोटल 6 टाइप्स है। आज हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट 2 टाइप्स है, ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। अब सबसे पहले मैं आपको ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बताऊंगी कि ऑब्ट्यूज एंगल कैसे फॉर्म होगा, किससे लेस होगा, ग्रेटर होगा, क्या फॉर्म बनेगी। अब सबसे फर्स्ट मैंने आपको 90 डिग्री से रिलेटेड बताए थे एंगल, कि जब एंगल 90 से लेस होता है तो वो हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल। इसी तरह जब एंगल हमारे पास फिक्स 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल फॉर्म करता है राइट एंगल। जैसे विंडो, डोर, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड के कॉर्नर, ये हमारे पास राइट एंगल बना रहे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन आपने ये लिखी है, अब लेस भी आपने पढ़ दिया है, इक्वल भी पढ़ लिया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हूज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। वो एंगल जिसकी मेजर हमारे पास 90 डिग्री से ग्रेटर होगी वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। 90 से ग्रेटर, ये आपको जो एंगल फॉर्म किया हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए ये उन दोनों एंगल से डिफरेंट है। इस तरह से कि जब हमने फर्स्ट एंगल किया था वो 90 से लेस था,
लेस्टर आपने छोटा सा एंगल सबसे फर्स्ट पे देखा था, एक्यूट एंगल जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक्यूट एंगल की शेप। इसके बाद जब वो फिक्स 90 डिग्री के इक्वल हुआ तो वो हमारे पास राइट एंगल। अब ये रे देखें जो लाइन आपको नजर आ रही है ये 90 से आगे जा रही है, तो वो एंगल जो 90 से ग्रेटर होगा वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तीनों जो एंगल्स बने हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ऑब्ट्यूज एंगल की अपनी शेप होगी, राइट एंगल की अपनी शेप होगी और इस तरह एक्यूट एंगल की अपनी शेप है। अब देखें ये ऑब्ट्यूज एंगल जो हमारे पास बन रहा है इसकी फॉर्मेशन देखिए कैसे फॉर्म किया हुआ है। अब इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए बोर्ड के ऊपर जो आपको बना हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर एक एंगल, एंगल देखिए ये जो आपको एंगल जो एरो नजर आ रहे हैं रेड एरो नजर आ रहे हैं, ये जितने एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इस तरह यहाँ पर एक हाउस है, हाउस का आप सबसे पहले टॉप देखें, टॉप के ऊपर देखें जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जो कॉर्नर है देखिए ये सारे है तो कॉर्नर ही, ये जो कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं ये कौन से एंगल्स बना रहे हैं। ऐसे जब भी फॉर्मेशन होगी तो इन एंगल्स को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल और बहुत सी शेप्स में भी बनते हैं, जैसे पेंटागन, पेंटागन वो फिगर होती है जिसके अंदर फाइव साइड्स होती है, फाइव साइडेड फिगर जो होती है हमारे पास पेंटागन, वो हमेशा हमारे पास कौन सा एंगल बनाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। हेक्सागन हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल तो आपने देखा हुआ है उसकी कौन सी शेप होती है, जैसे डोर की रेक्टेंगल शेप होती है तो वो हमारे पास राइट एंगल बनाता है, इसी तरह स्क्वायर जो होता है हमारे पास विंडो वो भी हमारे पास राइट एंगल बनाता है। लेकिन हमारे पास जो पेंटागन और हेक्सागन की शेप होगी वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, सिक्स साइडेड फिगर फाइव साइडेड फिगर जो होती है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो एक हाउस बना हुआ उसका टॉप देखिए वो हमारे पास कौन सा एंगल बनाता है, वो हमारे पास राइट एंगल बनाता है। ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब हम नेक्स्ट एंगल पे जाते हैं कि नेक्स्ट एंगल हमारे पास क्या है। अब मैंने जो आपको फर्स्ट थ्री एंगल्स बताए हैं, सबसे फर्स्ट पे जो एक्यूट एंगल था वो लेस देन 90 डिग्री होता है, राइट एंगल जो हमारे पास था वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री से जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब ये जो थ्री एंगल्स हैं ये फॉर्म होते हैं हमारे पास 90 डिग्री के साथ। अब जो आज हम नेक्स्ट एंगल पढ़ेंगे वो है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट से आपके माइंड में क्या आता है, स्ट्रेट लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं, जैसे हम एंडिंग लाइन कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके लास्ट में एंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं वो स्ट्रेट होती है, हमारे पास मार्जिन लाइन स्ट्रेट होती है। ये जो लाइंस हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारे पास एंगल बना रही होती है, स्ट्रेट एंगल, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फोर टाइप है हमारे पास एंगल की। अब इसकी डेफिनेशन आप देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जब भी हमारे पास कोई भी जो हमारे पास मेजर होगी एंगल की वो हमारे पास 180 डिग्री होगी तो हम उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। अब वो ना 90 से लेस होगी ना 90 से हमारे पास ग्रेटर होगा तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब 90 से ग्रेटर जो एंगल होता है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होता है, लेकिन जब जाके वो फिक्स 180 पे चले जाएंगे हम इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 से हमारे पास ग्रेटर होगा वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा, लेकिन जब फिक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास कौन सा एंगल बनाएगा, स्ट्रेट एंगल। अब जैसे स्केल होता है, यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन आपको बनी हुई रोटेशन देखिए, सर्कल जो आ रही है 180 डिग्री मैंने जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो रोटेशन है ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल बना रहा है। हर वो एंगल जिसकी मेजर हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एंगल बनता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट से आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होगी, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी जो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनाती है और इसकी फॉर्मेशन। अब आप अगर क्लॉक के ऊपर देखें, जब 6 o'clock होता है तो वो स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, तो वो टाइम भी हमारे पास क्या होगा, वो जो लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्केल जो होता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल बना रहा होता है, पेंसिल स्ट्रेट एंगल बना रही होती है, इसी तरह बहुत सी डेली लाइफ एग्जांपल्स है मैं आपको देती हूँ। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे देखिए स्केल आपको नजर आ रहे हैं, ये स्केल कौन सा एंगल हमारे पास बना रहे हैं, ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल। रोड की एग्जाम्पल है बेस्ट, रोड हमारे पास कौन सा बना रहे हैं, इस तरह ये टू ट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, इनके मिड में जो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की हुई है, ये डिस्टेंस जो इनको कवर कर रहे हैं वो भी हमारे पास स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। रेनबो आपको नजर आ रही है, इसके नीचे देखें जो लाइन इन दोनों इसके इनके दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिला रही है वो भी हमारे पास स्ट्रेट एंगल बना। स्ट्रेट एंगल की बहुत सी एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, मैंने जैसे आपको पेंसिल की एग्जाम्पल दी है इसी तरह मैंने आपको स्केल की एग्जाम्पल दी है और बहुत सी स्ट्रेट लाइन। आप जब स्ट्रेट डिस्टेंस कवर करते हैं वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल बना रहा होता है। स्ट्रेट एंगल की बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो आप ले सकते हैं। एंगल्स हमारे पास सिर्फ रोटेशन को कहते हैं, रोटेशन जब भी होगी तो वो एंगल फॉर्म होगा। जितनी मैंने यहाँ तक फोर टाइप्स आपको पढ़ाई है, सबसे फर्स्ट पे जो सबसे छोटी रोटेशन थी मैंने आपको सबसे फर्स्ट पे बताई है वो एक्यूट एंगल है। जैसे मैंने ये बताया एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, सबसे फर्स्ट पे
बहुत कम जो रोटेशन हुई है, ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है, ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल। इस तरह जब राइट एंगल हमारे पास बने, जैसे परपेंडिकुलर लाइंस होती है हमारे पास, वो राइट एंगल बनता है। राइट एंगल की अपनी एक शेप है। उसके बाद मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल बताया, ऑब्ट्यूज एंगल किस तरह का होता है उसकी एग्जाम्पल्स दी है। वो एंगल जो 90 से ग्रेटर होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल। अब 90 से रिलेटेड सिर्फ 3 एंगल्स मैंने आपको बताए हैं। एक मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री हमारे पास कौन सा एंगल बना है, राइट एंगल, और ग्रेटर देन 90 डिग्री हमारे पास एंगल बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब उसके बाद आप प्रोटेक्टर देखें, जो प्रोटेक्टर होता है जिससे हम एंगल्स को मेजर करते हैं, उसकी जो शेप होती है वो हमारे पास कैसी होती है, वो स्ट्रेट एंगल की तरह होती है। ये देखें, वो सेमी सर्कल होता है, हाफ सर्कल होता है, वो जो फॉर्म कर रहा होता है उसकी जो डिग्री आपको नजर आएगी वो भी 180 तक की जाके खत्म होती है। इस तरह जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो हमारे पास जो एंगल बनाता है वो बनाता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। आज मैंने आपको सिर्फ नेक्स्ट टू टाइप्स पढ़ाई है एंगल्स की। फर्स्ट पे मैंने आपको पढ़ाया था एक्यूट एंगल, और उसके बाद राइट एंगल, और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री का फिर कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि डिग्री जो होती है वो डिग्री हम इसलिए लिखते हैं कि वो एंगल को मेजर करने के लिए। अगर हम डिग्री नहीं लिखेंगे, सिंपल हम 180 लिखते हैं, तो 180 का मतलब होगा कि हमने कोई भी ये नंबर लिख लिया है 180। 180 क्या, 180 के साथ जब अगर उसकी यूनिट हम लगाएंगे डिग्री, तो हमें पता होगा कि ये एंगल को मेजर कर रहा है। अगर हम 180 के साथ केजी लगाते हैं तो हमें पता है कि ये वेट को मेजर कर रहे हैं। मीटर करेंगे तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस को कवर कर। इसी तरह ये सारी जितनी भी चीजें हैं, एंगल स्ट्रेट एंगल एंड एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल की मैंने आपको एग्जांपल दी दी है। स्ट्रेट एंगल से डिफरेंट आप लोग एग्जांपल अपनी डेली लाइफ देख सकते हैं। जब भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें वो हमारे पास जो है वो स्ट्रेट एंगल बनाएगा। 4 टाइप्स हमने पढ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 टाइप्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज 3 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट 5 एंगल से रिलेटेड है। जैसे कि प्रीवियस 4 लेक्चर्स में मैंने आपको सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट दिया था और उससे रिलेटेड मैंने आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताए थे। यूनिट 4 कंप्लीट हो गया है। अब सबसे फर्स्ट पे आप अपनी नीट नोटबुक पे यूनिट 5 एंगल्स का टाइटल पेज बनाएंगे, और एंगल से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे राइट एंगल का कॉन्सेप्ट है, एक्यूट एंगल का या ऑब्ट्यूज एंगल का, जैसे कि आपने थर्ड क्लासेस में पढ़ा था, थर्ड क्लास में जो आपने पढ़े हैं एंगल्स, उनसे रिलेटेड आप कुछ भी अपने टाइटल पेज पे बना सकते हैं। इसके बाद में सबसे फर्स्ट पे आपको ये बताऊंगी कि एंगल होता क्या है। अब एंगल्स को समझने के लिए सबसे फर्स्ट पे आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल क्या है। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने एंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है, एंगल से रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ पॉइंट इट्स क्रिएट्स एन एंगल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के घूमता है, रोटेट करता है, तो वो क्या बना रहा होता है, एंगल। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ कि आप सबसे पहले अपनी आर्म जो है उसको बेंड करें, अपने बाजू को बेंड करें और देखें इसी तरह की डायरेक्शन बनेगी जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। और ये मिड में जो आपको रोटेशन नजर आ रही है, जिसे मैंने एरो से शो किया हुआ है एंगल, ये फॉर्म करती है हमारे पास एंगल। इसके अलावा जो एग्जांपल है वो है हमारे घर में क्लॉक। क्लॉक की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्लॉक देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। अब देखिए एक जगह पर तो वो नहीं रहती, फर्स्ट से जैसे 12 से वो 1 से स्टार्ट करती है और मूव करती है दोबारा से 12 पे जाती है, तो ये पूरी जो मूवमेंट होती है हमारे पास, ये जो रोटेशन होती है, इसको हम एंगल कहते हैं। इसके अलावा आप फैन की एग्जांपल ले लें, फैन जब रोटेट करता है वो भी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है, तो वो भी हमारे पास एंगल बना रहा होता है। ये सारी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, और वो क्या बना रहे होते हैं, एंगल बना रहे होते हैं। अब एंगल से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है। सबसे फर्स्ट पे आप ये देखें कि द वर्ड्स एंगल comes from a Latin word angulus. अब जो word angle है वो कहाँ से आया हुआ है? ये Latin word से है, angulus से निकला हुआ ये एक word है, और इसका मतलब होता है which means corner. Corner किसी भी चीज़ का, कोई भी जब हम कोना देखते हैं जिसे corner कहते हैं, जैसे chair का corner होता है, white board का एक corner होता है, window का corner होता है, इस तरह ये जो corner होता है, corner form करता है हमारे पास angle. ये सबसे easy जो इसकी definition है angle की, वो ये है कि
जब भी आप कॉर्नर देखेंगे किसी भी चीज का, तो वो क्या बना रहा होता है हमारे पास, एंगल। अब एंगल से रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई है। देखिए आप, इफ यू लुक अराउंड अस वी विल सी एंगल्स एवरीवेयर। अगर हम इधर उधर कहीं भी देखेंगे तो वहां एंगल्स बन रही होती है। अब जैसे यहाँ सबसे फर्स्ट पे आपको क्लॉक नजर आ रही है, क्लॉक के ऊपर ये जो रेड आपको लाइन नजर आ रही है, ये भी हमारे पास एंगल बना रहे हैं। देखिए इसका भी एक कॉर्नर है। इसी तरह एरोप्लेन है, देखिए एरोप्लेन भी हमारे पास एंगल बना रहा है। इधर एक हाउस बना हुआ है, वो भी एंगल बना रहा है। चेयर टेबल एंगल बना रहा है। इसके अलावा जो सीजर आपको नजर आ रही है, देखिए वो भी एंगल बना रही है। ये सबसे फर्स्ट पे इस साइड जो है वो फिश का, आप देखिए जरा फिश का माउथ, वो भी हमारे पास एंगल बना रहे हैं। ये डिफरेंट, जहां पर आप कॉर्नर नजर आएगा या बेंडिंग नजर आएगी, वहां पर आप देखेंगे कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट नजर आएगा, एंगल्स का। एंगल्स की बहुत सी एग्जांपल्स है हमारी डेली लाइफ में। अब आपने सबसे फर्स्ट पे ये समझना है कि एंगल क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के जब भी वो घूमता है, घूमती है कोई भी चीज, तो वो हमारे पास क्या बना रही होती है, एंगल। और मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दी, एक और डेफिनेशन बताई है, जैसे कॉर्नर, कॉर्नर किसी भी चीज का कॉर्नर हमारे पास क्या बना रहा होता है, एंगल। अब एंगल्स डिफरेंट टाइप्स होती है। अब यहाँ पर देखिए आप एग्जांपल्स जितनी भी दी हुई है, इनके अंदर आपको ये जितने एंगल बने हो रहे हैं, इनकी डायरेक्शंस आपको डिफरेंट डायरेक्शन नजर आ रही होंगी। इसी तरह हमारे पास एंगल्स की 6 टाइप्स होती है। एंगल्स की कितनी टाइप्स है हमारे पास, 6 टाइप्स। अब सबसे फर्स्ट पे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम एंगल को मेजर किसके साथ करते हैं। वी कैन मेजर एंगल यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। अब एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास कोई चीज तो होगी जिससे हमें पता चलेगा ये एंगल कितने डिग्री का। वी मेजर एंगल इन डिग्री। अब एंगल के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगी वो डिग्री की यूज होती है। जैसे कि अगर आप बाजार जाते हो, शुगर लेने जाते हो, तो शुगर किस में होती है, हम ये तो नहीं कहते हमें इतनी डिग्री शुगर दे दो, हम केजी में उसे मेजर करते हैं, केजी में मेजर होती है। इसी तरह आपकी हाइट जो होती है वो मीटर सेंटीमीटर में मेजर होती है, फीट में मेजर होती है। इसी तरह हर एक चीज की यूनिट होती है हमारे पास। अब हर किसी, जैसे वेट केजी में मेजर किया जाता है, इसी तरह जो हाइट वगैरह होती है वो मीटर सेंटीमीटर, इस तरह डिस्टेंस किलोमीटर में कवर किया जाता है, उसकी ये यूनिट होती है। इसी तरह एंगल की भी तो कोई यूनिट होगी। अगर हम कहेंगे ये एंगल बन रहा है 30 का एंगल बन रहा है 40, तो उसके साथ कोई यूनिट तो यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हम डिग्री, तो उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगी, वी मेजर एंगल इन डिग्रीज। जब भी कोई एंगल हम मेजर करेंगे वो डिग्री में मेजर होगा। और डिग्री के लिए यहाँ जैसे ये छोटा सा सर्कल बना हुआ है जो सिंबल यूज होता है, द सिंबल, ये छोटा सा जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये स्टैंड्स फॉर डिग्री। जहां पर भी आपको ये छोटा सा सर्कल किसी भी नंबर के ऊपर पड़ा हुआ नजर आएगा, तो आप उसे डिग्री कंसिडर करेंगे, उसे कहेंगे कि ये 30 डिग्री। अब जैसे आप वेट के लिए 30 केजी लिखा होता है किसी भी, हमारे पास अगर हम वेट को मेजर करते हैं तो 30 के साथ केजी, अगर हम सिंपल 30 लिखेंगे तो हमें क्या पता है ये कितने केजी है। इसी तरह 30 के ऊपर जब ये आपको छोटा सा सर्कल, तो इसका मतलब है ये किसको शो कर रहे हैं, एंगल को शो कर रहे हैं। एंगल हमेशा मेजर होगा डिग्री के अंदर। आप जब भी एंगल को मेजर करेंगे, जैसे अगर 30 के ऊपर छोटा ये सर्कल आपको पड़ा हुआ नजर, तो आप कहेंगे कि ये एंगल को मेजर कर रहे हैं। एंगल की जो मेजर होती है वो डिग्री में होती है। और इसे मेजर किसके साथ किया जाता है, प्रोट्रैक्टर। आपने ये देखा होगा प्रोट्रैक्टर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक स्केल होता है। ये आप किस लिए यूज करते हैं, ये एंगल को मेजर करने के लिए यूज होता है कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगी, सबसे फर्स्ट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एंगल क्या है, उसकी कितनी टाइप्स है। अब फर्स्ट टाइप में आज आपसे डिस्कस करूंगी, जो फर्स्ट टाइप है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स की 6 टाइप्स है। एंगल की 6 टाइप्स है, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप में आपको बताऊंगी एक्यूट एंगल। एक्यूट से आप अपने माइंड में रखें, एक्यूट छोटा सा एंगल होता है, सबसे छोटा जो एंगल होता है एंगल्स के अंदर, जो सबसे छोटा एंगल होता है उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर, अब वो एंगल जिसकी मेजर जब हम कभी भी मेजर करेंगे, जैसा भी मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टर से, अगर हम मेजर करेंगे तो इज लेस देन 0 डिग्री, is less than 90 degree is called acute angle, greater than 0 degree and less than 90 degree. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है an angle whose measure is less than 90 degree. अब ये आप कहेंगे कि ये 90 का क्या concept है, तो ये 90 जो हमारे पास होती है वो straight line होती है, 90 degree का जो हमारे पास angle बनता है वो मैं भी आपको next बताऊंगी कि right angle क्या होता है। 90 डिग्री से जब भी कोई एंगल छोटा होगा प्रोटेक्टर के ऊपर, जैसे यहाँ पर प्रोटेक्टर बना हुआ है, ये जो आपको मिड में लाइन नजर आ रही है ये 90 डिग्री की लाइन है, और इससे पीछे जितने छोटे एंगल होंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक जितने एंगल्स बनेंगे वो हमारे पास, ये डिफरेंट लाइन्स आपको नजर आ रही होंगी, ये जितनी लाइन्स लगी हुई है, ये जितने एंगल्स बन रहे हैं 90 से छोटे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे एक्यूट एंगल। इन्हें कौन से एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को मेजर करने के लिए आप प्रोटेक्टर यूज करेंगे, फिर आप मेजर करेंगे, देखेंगे कि ये, अब देखें सबसे पहले जो इजी है आपके लिए एक्यूट एंगल, आपको कैसे पता चलेगा ये एक्यूट एंगल है, ये जो मैंने शेप बनाई हुई है आपको नजर आ रही है, ये ट्रायंगल की तरह की शेप है,
अगर ऐसा कोई भी एंगल आपको नजर आएगा, ये जो शेप है ये सिर्फ एक्यूट एंगल की होगी। ये जो मैंने बनाया हुआ एंगल, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ 30 डिग्री, 30-90 से छोटा है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्यूट एंगल। ऐसी शेप का अगर आपको कोई भी एंगल कहीं पर भी नजर आएगा तो आप उसे डायरेक्ट कह देंगे कि वो हमारे पास एक्यूट एंगल है। एंड एक्यूट एंगल, इसकी डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी हुई है कि आपको पता हो कि एक्यूट एंगल कितने डिग्री से छोटा होता है। तो एन एंगल होज मैयर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मैं इसकी आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे एक केक का स्लाइस, एक पीस लिया हुआ है, देखिए वो कि किस तरह की शेप बना रहे हैं, एक्यूट एंगल की तरह। पिज्जा देखें, इस तरह लैपटॉप देखें, लैपटॉप का जो कॉर्नर है वो हमारे पास एक्यूट एंगल बना रहे हैं। सीजर हमारे पास एक्यूट एंगल बना रही है। ये स्केल देखें, क्लॉक देखें, क्लॉक के अंदर शेप देखें ना आप एंगल की। आपको इस तरह की डायरेक्शन में, जब भी इस तरह की डायरेक्शन में कोई भी फिगर या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा तो आप उसे कहेंगे कि ये हमारे पास एक्यूट एंगल बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये डिफरेंट थिंग्स है, आप जिस तरह स्पैरो आपने चिड़िया तो देखी होगी, उसकी चोंच देखिए वो हमारे पास कौन सा एंगल है, जिसे मैंने फिश का मुंह आपको बताया था, ये एक्यूट एंगल्स की एग्जांपल है। सबसे छोटा एंगल होता है इस शेप का। जब भी आपके पास कोई भी एंगल आएगा आप उसे कहेंगे एक्यूट एंगल। और इसकी कंडीशन ये होती है कि ये 90 से लेस होता है। और इस शेप को देखें, इस शेप का आप जब भी कोई एंगल देखे तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल के बाद जो नेक्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप है एंगल्स की, वो है राइट एंगल। अब राइट एंगल हमारे पास क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिक्स 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। इस तरह का जो भी एंगल बनेगा वो हमारे पास राइट एंगल होता है। राइट एंगल की बहुत सी एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, जैसे डोर को लेने, स्क्वायर शेप का होता है हमारे पास, रेक्टेंगल शेप का होता है, वो देखें हमारे पास क्या बना रहा होता है, राइट एंगल बना रहा होता है। इसके अलावा उसके कॉर्नर राइट एंगल, व्हाइट बोर्ड की एग्जांपल ले रहे हैं, उसके कॉर्नर हमारे पास राइट एंगल बना रहे होते हैं, विंडो के कॉर्नर हमारे पास राइट एंगल बना रहे होते हैं। राइट एंगल की बहुत सी एग्जाम्पल्स है। जब भी आप स्ट्रेट लाइन देखेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन, जैसे जो अभी आपने एक्यूट एंगल देखा है वो छोटा सा एंगल है और वो सबसे छोटा एंगल होता है, उससे जो बड़ा एंगल होता है वो हमारे पास होता है राइट एंगल। अब ये एंगल देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वल टू 90 डिग्री है या नहीं, आप ये प्रोटेक्टर देखें, इसके ऊपर देखें कि मिड में आपको 90 नजर आ रहा है और 90 पे जो लाइन लगी हुई है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। 90 पे जो लाइन आपको नजर आ रही है, डिफरेंट लाइंस आपको नजर आ रही है प्रोटेक्टर के ऊपर, और जो मिड में लाइन आपको नजर आ रही है 90 के ऊपर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और ये जिस वक्त भी आप इस तरह की स्ट्रेट लाइन देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप उस एंगल को कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास राइट एंगल है। अब ये राइट एंगल है 90 वाला, जो फिक्स हो जाएगा 90, राइट एंगल 90 से लेस मैंने आपको बताया। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ राइट एंगल तक ही था। 90 से जब लेस होगा, यानी 90 से लेस क्या है हमारे पास नंबर 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, ये सारे 90 से लेस हैं, इन्हें हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। और जब हम फिक्स 90 पे आ जाएंगे, इक्वल टू 90 आ जाएंगे, इक्वल टू 90, बस सिर्फ 90 से ना बड़ा होगा ना छोटा, इक्वल टू 90, तो हमारे पास एंगल बनेगा राइट एंगल। राइट एंगल की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखें ये जो आपको रेड लाइन शो हुई है, सबसे फर्स्ट पे डोर की एग्जांपल है, डोर के ऊपर देखें जो बन रहा है एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है हमारे पास, सीधा जो लाइंस दोनों राइट एंगल की लगी हुई है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ये नहीं है कि एक सीधी लाइन लगी हुई है, दोनों लाइंस आपको स्ट्रेट नजर आ रही होंगी। इसी तरह आपने परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर लाइंस भी हमारे पास जो है वो राइट एंगल बनाती है। इस तरह टेलीविजन है, उसके ऊपर देखे राइट एंगल बन रहा है, नेक्स्ट स्केल आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर देख रहे हैं, क्लॉक देखे क्लॉक पे आप जब 3 o'clock होते हैं, टाइम जब हमारे पास 3 o'clock होता है तो वो कौन सा एंगल बना रहा होता है, वो हमारे पास राइट एंगल बन रहा होता है। इसी तरह ये आप हाउस देखें, हाउस के ऊपर आप इसे सीधा करें, देखें इस पे भी राइट एंगल बन रहा है। फ्रेम आप फोटो फ्रेम देखें, इसके साइड पे जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है वो भी हमारे पास। चेयर देखें, ये हमारे पास टेबल हमारे पास राइट एंगल बनाती है। राइट एंगल्स की डिफरेंट एग्जाम्पल्स है। जब भी आपको इस तरह की शेप या इस तरह की लाइन में आपको परपेंडिकुलर लाइंस की तरह कोई भी लाइंस नजर आएगी तो आप उसको कहेंगे कि ये एंगल बन रहा है। ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये हमारे पास राइट एंगल। ये रोटेशन ही है ना, ये डिफरेंट रोटेशंस होती है, कोई स्मॉल होती है, कोई ग्रेटर होती है 90 से। आज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो था हमारे पास एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल्स की मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताई है, ये सारे एंगल्स है। अब एंगल्स के अंदर उनकी टाइप्स होती है, जैसे मैंने आपको सबसे फर्स्ट पे एंगल की एग्जांपल बताई थी कि एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ पॉइंट इट्स क्रिएट्स एन एंगल। अब एंगल से रिलेटेड मैंने इतनी ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अब यहाँ पर आपको बहुत से एंगल्स नजर आ रहे होंगे, जैसे सबसे फर्स्ट पे राइट एंगल बन रहे हैं,
अब देखिए फिश जो है वो एक्यूट एंगल बना रही है, सीजर हमारे पास जो है वो एक्यूट एंगल बना रही है, ये हमारे पास जो चेयर है वो हमारे पास एक्यूट एंगल राइट एंगल बना रही है। इसी तरह हम अपने ये बहुत से एंगल्स देते हैं। अब एंगल से मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बताई। सबसे फर्स्ट टाइप बताइए एक्यूट एंगल, वो एंगल जो 90 से छोटा होगा, 90 से लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल की शेप देख लें, इससे डिफरेंट एग्जांपल्स बताई थी मैंने आपको। इसी तरह राइट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों लाइन स्ट्रेट होगी, जैसे परपेंडिकुलर लाइंस होती है वो हमारे पास राइट एंगल बनाता है। राइट एंगल से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, आप अपने के बहुत सी एग्जांपल राइट एंगल से रिलेटेड ढूंढ सकते हैं, एक्यूट एंगल से रिलेटेड ढूंढ सकते हैं। आज सिर्फ एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लें आप कि ये क्या है, एंगल किस तरह की रोटेशन होती है। टू टाइप्स मैंने आपको सिर्फ बताई है, इंशाल्लाह सिक्स टाइप है टोटल। नेक्स्ट टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना है।